नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे, हमेशा अच्छे रहे दोस्तों। तो जय माँ अम्बे विलेज कुकिंग चैनल में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों आज 15 अगस्त है, उसकी ढेर सारी शुभकामनाएँ आप लोगों को। तो चलिए आज 15 अगस्त की खुशी में आप चलिए आप लोगों को हम कुछ मीठा बना के दिखाते हैं। यहाँ पे हमने मिठाई बनाने के लिए देखिए चावल का आटा लिया है, चीनी लिया एक कटोरी, गरी का बुरादा है, घी है, इलायची दाना है। तो चलिए तिरंगेदार मिठाई बना के दिखा रहे हैं। यहाँ पे हमने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दिया है। यहाँ पे हम कढ़ाई में घी डालेंगे 2 चम्मच। अब इसमें हमने चावल का आटा डाल दिया है, इसको हम धीमी आंच में पका लेंगे। यहाँ पे चावल का आटा ये देखिए हमारा पक गया है, तो इसमें हम डाल देंगे गरी का बुरादा, उसको डाल के हम भून लेंगे। यहाँ पे हमने दोनों चीज़ें डाल के भून लिए, इनको हम थाली में पलट लेंगे। उसी कढ़ाई में हम डाल देंगे दूध। यहाँ पे हमने 1/2 कटोरी चीनी लिया है, तो इसको हम थोड़ा सा पानी डाल के साफ करेंगे इस तरह। यहाँ पे दूध हमारा देखिए उबल गया है, चीनी में डाल देंगे अच्छी तरह। इसको हम अच्छी तरह से चीनी को गला लेंगे। यहाँ पे चीनी हमारी देखिए गल गई है, तो एक उबाल आ जाए उसके बाद हम यहाँ पे हम जो भून के रखा आटा गरी का बुरादा उसको इसी में हम मिला देंगे। यहाँ पे हमारा मिठाई के देखिए डो बन के रेडी हो गया, इसको हम उतार लेंगे कढ़ाई को। इसमें हम इलायची के दाने डाल देंगे देखिए, इसके बाद हम इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। यहाँ पे हमने मिठाई का डो निकाल के थाली में रख लिया है, तो इस तरह हम इसको 3 भागों में कट करेंगे। देखिए यहाँ पे हम इसको साइड से रखेंगे, इसमें हम कलर डालेंगे। देखिए यहाँ पे हमने इसमें हरा कलर मिला दिया है, अब इसमें हम मिलाएंगे देखिए ऑरेंज कलर लिया है। इसको मिला देंगे। यहाँ पे हमने 3 कलर बना लिया है, तो ये इसमें हमने कलर नहीं डाला, वाइट है, दोनों में हमने कलर डाल दिया है। तो चलिए हम इनको हम मिठाई हाथ से बनाएंगे। इसको आप चाहे तो किसी में जमा सकते हैं, तो जमाएंगे नहीं, हम इस तरह हम मिठाई की शेप देंगे। ये देखिए इस तरह सारे बना के रख लेंगे। यहाँ पे हमने सारे पेड़ बना लिया है, अब चलिए इनको हम इस तरह ये देखिए ये देखिए इस तरह की हमने मिठाई बनाया है। तो चलिए इनको हम इधर रखते जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने 15 अगस्त के शुभ अवसर पे हमने ये देखिए तिरंगेदार मिठाई बना के रेडी कर दिया है। तो आप लोग देख सकते हैं कितनी प्यारी हमारी मिठाई बनी है। तो दोस्तों अगर ये मिठाई वाली रेसिपी हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।